नमस्ते किसान मित्र, हमारी चैनल पारस मनी एग्रीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले व्हील हो मॉडल जो पारस मनी एग्रीटेक के द्वारा रेडी किया गया है, जो मॉडल नंबर आपको PAWH3 जो स्क्रीन के ऊपर भी नाम लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। हम पहले इसके जो साथ अटैचमेंट आने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पहले आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे यही जो मॉडल है उसके साथ अपने को तीन अटैचमेंट मिलने वाले, जो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पहला अपना 3 टाइम कल्टीवेटर हो गया, जो यहाँ पे आपको तीन दाते वाला कल्टीवेटर मिलेगा। उसके बाद अपने को यहाँ पे आपको एक यहाँ पे फुरोवर देखने को मिलेगा, जो अपने को प्लाउ मतलब दोनों साइड मिट्टी चढ़ाने के लिए काम करता है। उसके बाद जो तीसरा अपना अटैचमेंट है वो यहाँ पे अपना ब्लेड रहेगा, जो 7 इंच के लेंथ पे रहेगा, जो आपको ब्लेड जो खरपतवार निकालने के लिए काम करेगा। उसके साथ हम पहले मशीन का स्पेसिफिकेशन देख ले, तो मशीन में आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी में आपको आयरन व्हील मिल जाएगा। उसी के साथ आपको यहाँ पे मेन गार्ड मिलेगा, जो आपके को हाइट एडजस्टमेंट के साथ रहेगा। आप अगर किसान का हाइट छोटा कम या बड़ा है तो आप उसके मुताबिक यही हैंडल को ऊपर और नीचे की ओर कर सकते हैं। साथ में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो चलाने के लिए जो अपना हैंडल है उसको पकड़ने के लिए आपको यहाँ पे रबर ग्रिप मिल जाएगा, ताकि आपको पकड़ने में भी आसानी रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा क्वालिटी वर्क में और अच्छा खासा आपको अटैचमेंट के अंदर आपको पूरा मशीन टूल्स मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि ये अटैचमेंट को यहाँ फील्ड जो कंडीशन है, यहाँ पे फील्ड के ऊपर अभी मूंगफली का क्रॉप लगा हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे जो अपना जो दो मूंगफली का पौधा है, जो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो दो मूंगफली है उसके बीच का जो अंतर है वो यहाँ पे 9 इंच का गैप रखा गया है। तो हम यही 9 इंच के गैप के अंदर यही तीनों अटैचमेंट के अंदर से अपना ये अटैचमेंट 7 इंच का है और ये अपना मिट्टी चढ़ाने वाला भी 7 इंच पे काम करता है। तो ये दोनों अटैचमेंट को हम इसी फील्ड के ऊपर ट्राई करके देखेंगे तो ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके डेमोस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए किसान मित्र, अभी हम पहले इसका जो फुरोर वाला अटैचमेंट है जो अपने को पाली लगाने के लिए काम करेगा उसका हम डेमोस्ट्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जहाँ पे अकेला मिट्टी है, जहाँ पे ग्रास कम है वहीं पे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रास वाला कंडीशन है उसके ऊपर हम दोनों जगह पे आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे हम फुरोर से आराम से इसको मिट्टी लगा सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 4 से 5 इंच डीप से आप जो मूंगफली है उसकी ओर आप मिट्टी आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डीप में फुरोर आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको करीबन 3 से 4 इंच की गहराई पे काम किया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आपको जहाँ पे ग्रास लगा है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों रो के बीच के अंदर ग्रास लगा हुआ है, उसी कंडीशन के अंदर हम आपको चला के दिखा दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जहाँ पे ग्रास वाला कंडीशन था वहीं से ग्रास भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे रिवीडिंग भी काम करता है और अपना ये मूंगफली की ओर मिट्टी चढ़ाने के लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से आप यही हल को उपयोग करके आप आराम से अपना मिट्टी मतलब जो मूंगफली है उसकी ओर मिट्टी चढ़ाने में आराम से ये अटैचमेंट से काम कर सकते हैं। अब हम उसका जो दूसरा अटैचमेंट है जो ब्लेड वाला अटैचमेंट जिससे खरपतवार निकलता है उसका हम डेमोस्ट्रेशन यही बिल्डिंग के ऊपर अभी देख लेते हैं। जैसे पहले हम डेमोस्ट्रेशन के अंदर जो फुरोवर अपना जो पाली लगाने के लिए जो फुरोवर काम करता है उसका हमें डेमोस्ट्रेशन पूरा देखा। अभी जो अपना जो दूसरा अटैचमेंट है उसको हमने यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ब्लेड वाला अटैचमेंट लगाया जिसको हम ग्रास रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसी से हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड कंडीशन है उसके अंदर यहाँ पे आपको जो ग्रास दिखाई दे रहा है यही ग्रास को हम रिमूव करेंगे। ये ग्रास को जो अपना ब्लेड है वो ऊपर की जगह पे उसको रूट से काटता है, मतलब ये जमीन के भीतर से 1-1.5 इंच पे जहाँ पे इसका रूट रहेगा वही से काटेगा। आपको यही ग्रास आपको दूसरी बार ग्रो होने के प्रॉब्लम से आपको पूरा का पूरा छुटकारा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं तो यहाँ से हम एक बार आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रास रिमूव करने के लिए बस आपको यहाँ से आसानी से पुश करना रहेगा। आप जैसे ही इसको पुश करेंगे ये पूरा अपना ग्रास को लेके चलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे हम जहाँ पे निकाला ब्लेड का यहाँ पे आपको 6 इंच का पट्टा है जो आपको यहाँ पे पूरा क्लीन हुआ हुआ आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी अपना ग्रास था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड ग्रास है, बीच में जो हमने जहाँ से ब्लेड लगाया वहीं से ग्रास पूरा यहाँ से क्लीन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लेड है वो यहाँ खेती के लिए कितना काम में आ सकता है। अब हम इसका जो तीसरा अटैचमेंट है जो 3 टाइम कल्टीवेटर उसका डेमोस्ट्रेशन हम यही फील्ड के ऊपर देख लेते हैं। किसान मित्र, अब हम इसका जो तीसरा अटैचमेंट है जो आपको यहाँ पे 3 दाते वाला जो कल्टीवेटर दिखाई देगा हम उसी का उपयोग यहाँ पे हम देखेंगे।
इसको हम फील्ड के ऊपर ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनका जो अपना जो मूंगफली का बुआई हुआ है वो यहाँ पे 9 इंच है, और अपना अटैचमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली 9 इंच है, मतलब एक क्रॉप को यहाँ पे डैमेज करेगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे कॉर्नर के एंड के ऊपर आप करके दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो तीन दाते वाला कल्टीवेटर है वो आपको यहाँ पे मिट्टी को तोड़ने के लिए आराम से काम लगता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड कंडीशन है वो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे टाइट दिखाई देगा, उसको लूज करने के लिए, मिट्टी को लूज करने के लिए यही अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो पूरा यहाँ पे भुरभुरा बनाने के लिए यही अटैचमेंट को हम काम में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा सेट है वो आपको यहाँ पे तीन अटैचमेंट के साथ मिलने वाला है। मतलब आपने यहाँ पे बारीक बारीक करके आपने तीनों अटैचमेंट का यहाँ पे ट्राई देगा, जहाँ पे फोर ओवर ब्लेड और तीन दाते वाला कल्टीवेटर तीनों को हमने यहाँ पे फील्ड कंडीशन के ऊपर ट्राई करके दिखाया। अब हम इसको अगर कोई किसान मित्र खरीदना चाहता है तो हम इसको ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। मंगवाने के लिए आप स्क्रीन के दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो कंपनी पारस मनी एग्रीटेक गुजरात से, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर 9909632139 आपको स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देगा। आप वहीं पे संपर्क करके इसको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह पे आप इसको मंगवा सकते हैं। तो मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अपना जितना भी नया टूल्स और नए वीडियोस आते रहते हैं वो यही चैनल पारस मनी एग्रीटेक का ऑफिशियल चैनल के ऊपर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।